हेलो दोस्तों, नमस्कार। करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने किचन से ही। हमने लंच कर दिया है और धोने हैं मैंने बर्तन। लंच करके सब लोग, ये लोग चले गए हैं दुकान और मैंने धोने हैं ढेर सारे बर्तन। बर्तन देखो, पूरा सिंक भरा पड़ा है मेरे बर्तनों से। तो दोस्तों, मैंने धो लिए हैं बर्तन। अब मैं इनको डालती हूँ थोड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि स्टैंड में रखने में इनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सारा गीला हो जाता है स्टैंड और जंग सा लग जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए इनको 10 मिनट के लिए धूप में सुखाऊंगी, फिर फटाफट काम करके मैंने कहीं जाना है तो मैंने आपको बताया था, तो लगे बने रहे मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बर्तन रख दिए सूखने के लिए, थोड़ी देर के लिए सुखाऊंगी। और संग में मैंने दाल भी डाली हुई है सुखाने के लिए, जिसमें राजमा, चना, काबली चना और मूंगफली, जीरा, अरहर और संग मैंने गेहूँ डाल रखे हैं सुखाने के लिए। तब तक अपने आप सूखते हैं, मैं कर लेती हूँ किचन साफ, तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं फटाफट से किचन कर लेती हूँ साफ और गैस पोछ लेती हूँ फटाफट से, और फटाफट काम हो जाएगा। तो मेरा फटाफट, फिर मैं हो सकता है चाय वाय बना के ही जाऊँ वहाँ मंदिर में। फटाफट किचन साफ कर लूँ। दोस्तों, घर घर भी काम करो तो कितना काम निकल जाता है, और घर में रहेंगे तो घर में रहेगा कुछ, अगर बाहर निकल जाएंगे तो बाहर, घर का तो हमारा रोजी ये काम रहता है। काम काम कभी पूरा नहीं होता है, इसीलिए बाहर जाना भी जरूरी है। फिर वो तो भगवान जी के मंदिर का काम है, तो यहाँ भी भगवान जी का ऐसा काम होता है, भगवान जी का कोई भी चीज हो, मैं वहाँ घर आराम छोड़ के तब भी चले जाते हूँ। अपू भौंक रहा है और अंदर चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत कथा, जो दादी सुन रही है शाम के समय, रोज उनकी सुनती हैं, भागवत कथा सुनती हैं, काफी अच्छी कथा सुनाते हैं। मैं यूट्यूब पर भी सुनती हूँ और वैसे भी, क्योंकि अंदर चला रहता है तो मैं सुनाई तो देता ही है, सुनते रहती हूँ। बैठ के सुनने का इतना समय हो नहीं पाता है, इसे काम करते रहो तो सुनते रहो। और बनेगी आज शाम को हमारी परवल की सब्जी। परवल लेके आए हैं, तो दोनों चीज में डब्बे में डाल के भिगा जाती हूँ। ये देखिए, खूब बड़े बड़े दाने हैं और कारपेट लगा हुआ है इतना इसमें। और परवल आया है, परवल की सब्जी बनेगी, उनको बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, पानी ज्यादा हो गया। तो दोस्तों, अपना शाम का काम भी थोड़ा निपटा के जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने में मुझे 7 सवा 7 हो जा रहा है और लेट ही हो जा रही है। अभी भिगा लेती हूँ, धोऊंगी बाद में, मैं इनको 2-3 पानी धोऊंगी। आजकल मेरे को लगातार खांस हो रही है, क्योंकि हमने गर्मी की वजह से लगातार ठंडा पानी पी दिया और आइसक्रीम खा दी लगातार रात को, और 1-2 दिन से छोड़। और ये धोके रख दी मैंने मिर्च, आलू में भी मार लू, आलू भी साफ कर लेती हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा रोज करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, मेरा किचन फिलहाल के लिए चमक गया है, मैंने किचन कर दी साफ। दोस्तों, मैं बर्तन ला गई हूँ अंदर, सूख गए बर्तन। मैं बर्तन कर जाती हूँ थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि शाम को फिर लेट हो जाएगी, टाइम कम रहता है, इसीलिए जितना काम हो सके कर जाती हूँ। 1-2 घंटा वहां पे देखूंगी भगवान जी के चरणों में, उन्हीं का मंदिर का काम करना है।
अल्पना लिखना है जो हमारी पहाड़ी रीति रिवाज में है। हो सकता है हम भी पोस्टल के हैं, बर्तन अच्छे होते हैं, भी गीला पानी नहीं पड़ता है ना, साफ सुथरा अच्छा लगता है। इसीलिए 2 मिनट के लिए, अगर भी तेज धूप है 5 मिनट भी अगर हम धूप में बर्तन रखते हैं सूख ही जाते हैं, जल्दी पिछवा जल्दी हम उनको एडजस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ से जो सामान निकाला होता है खाते समय बर्तन निकाले होते हैं। तो मैंने दाल सब इकट्ठे करके यहाँ पर रख दी है क्योंकि फैलाई अच्छी नहीं लगती है और बंदर भी आ जाते हैं, तो सब दाल और जीरा जो भी है यहीं पर रख दिया मैंने सारा। मैंने रख दी है चाय, चाय मेरी उबलने लग गई है और फटाफट से बना लेती हूँ चाय। और मेरे दूध में जमी है मलाई, वो मलाई मैं रख देती हूँ एक डोंगे में। गाय का दूध लगा हुआ है, उतनी मलाई तो नहीं लगती फिर भी अच्छी लगती है। एक हफ्ते में लगभग मैं मक्खन बना लेती हूँ, घी बनाती हूँ मक्खन बना के। तो दोस्तों आज ही बनाया था मैंने, आज मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब जब नेक्स्ट बनेगा मक्खन बनाऊंगी तो आज से फिर शुरू हो रहा रखना है। एक बार में इतनी मलाई लगती है देखिए ये, तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि मलाई खाना उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं है। और मैं मलाई निकाल के किनारे रख देती हूँ, काम आ जाती है, घी बन जाता है अपना बढ़िया से। ये मैंने चाय के लिए दूध निकाल दिया, फ्रीज में रख देती हूँ। पर दोस्तों अब चाय लेके मैं जाऊंगी, आपको अब मिलूंगी मैं मंदिर में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर। कल मैंने आपको बाहर से मंदिर का लोकेशन नहीं दिखाया था, थोड़ा अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कितना प्यारा है। अभी धूप आई है और भाभी और आंटी जी पहले ही बैठे हैं यहाँ। कल हमने कितने एयरपोर्ट निकाले थे देखो, आंटी लोगों ने कितने पूरे कर दिए। ये देखो लग रहा है इनके लेट होता है ना, इसीलिए हाँ ये जा रहा। देखो दोस्तों इतना प्यारा मोटा मोटा लिखा है पर बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि डार्क मंदिर हुआ है ये, तो इसकी वजह से हम थोड़ा मोटा ही लिख रहे हैं। तो अभी अम्मा नहीं है यहाँ पे, हाँ अम्मा को मोटा ही पसंद है इसलिए। ये देखो हमारी भाभी, आप कैसे हो, आप कैसे हो, हम बढ़िया हैं। तो देखिए मंदिर गर्म से उबल गए हैं, यहाँ धूप आ रही दोस्तों देखो अभी, पर यहाँ पर को तो छाया ही है। तो अब मैं भी लिखती हूँ। तो दोस्तों आप देखिए फिर जब जिसमें जाऊंगी मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि कितना लिखा हमने आज, बने रहे मेरे साथ। देखो बुआ जी क्या ला रही है हमारे लिए, क्या ला रही बुआ, नमस्कार। बाबरे ये देखो नमस्कार, अरे लाल बन रही हो, अरे रे 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 हिलन राव, ये आया हमारे लिए जूस, लाल पानी, और आए हैं ठंडा ठंडा पानी, फ्रिज का पानी लेके आए हैं, गर्मी बहुत हो रही है। ये देखो क्या हो, बजरंग बली आ मंगलवार है, बजरंग बली के लिए केले भी लाए हैं ये। तो मजा आएगा सबको, अम्मा की बहू घास खाने जा रही है ये देखो। तो दोस्तों हमने 2 दिन में जो हवन कुंड है वो लिख दिया है पूरा। मैं तो थोड़ा कंपनियां आ पाई भाभी लोग देखा और इनसे पूछे कि कैसा लग रहा है बताना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। हमारा लिखा आपको पसंद आया नहीं आया, और हमने मोटा मोटा ही लिखा है, अम्मा को मोटा मोटा ही पसंद आता है तो हमने मोटा मोटा ही लिखा है। अम्मा को कैसा लगा, अम्मा को ऐसी अच्छा लगता है मोटा मोटा, तो हमने मोटा मोटा ही लिखा है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताएगा। ये देखिए पूरा लुक ये है एक साइड का हवन कुंड का, पूरा ये देखिए एक साइड दिखा दिया मैंने पूरा, ये एक साइड है, ये चारों तरफ का लुक है। कल को अब दिल्ली का है,
कल को ये राम जी के आगे की डेली होगी, गणपति भगवान के आगे की होगी, और उधर बैक साइड में शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे भी लगाया है पेंट। अगर कल टाइम लगा कल भी आएंगे। और यहाँ पर तुलसी वृंदावन है, उसमें भी आगे भी वृंदावन है एक, उसमें भी लिखना है उन्होंने। तो दोस्तों हमारा काम कैसा लगा आपको और हमारे साथ होम फंड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय।